देखिए मैंने पहले भी आपके हमने कुछ जो लेक्चर देखे उसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे हमने। आज भी हम बायो का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारे लेक्चर जितने भी आप दिए जा रहे हैं, अपलोड किए जा रहे हैं, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप हमें यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कालका IAS, ठीक है, जो कि भोपाल में है। कालका IAS पर आप हमें सब्सक्राइब करिए। या आपको अगर ऑडियो लेक्चर्स भी चाहिए तो हमारे ऑडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 7247401301, इस पर हमें आप मैसेज करिए और यहाँ से आपको फिर ऑडियो लेक्चर्स भी हम फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखते हैं हम आज का हमारा नया टॉपिक। हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ओके, रेस्पिरेशन या श्वसन। तो श्वसन या रेस्पिरेशन की हम बात करें, क्या होता है श्वसन, है क्या? अब बहुत सारे लोग कहेंगे श्वसन होता है सांस लेना और सांस का छोड़ना, ठीक है, ये ब्रीथिंग प्रोसेस, नॉर्मली हम बोले ब्रीथिंग प्रोसेस, जो O2 को एब्जॉर्ब करना और CO2 को रिलीज करना, ये हो गई श्वसन की क्रिया। क्या ये सही है? श्वसन के मतलब जो बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं कि ये श्वसन हो गया, ब्रीथिंग प्रोसेस मतलब CO2 का बाहर रिलीज करना और O2 को अंदर एंटर करना। लेकिन नहीं, अगर आप श्वसन की बात करते हैं तो हाँ ब्रीथिंग जरूर है, ब्रीथिंग प्रोसेस, श्वासोच्छ्वास, श्वासांस लेना छोड़ना, ये ब्रीथिंग प्रोसेस, ठीक है। लेकिन अगर बात रेस्पिरेशन की आ रही है या श्वसन की आ रही है, तो श्वसन क्या है हम देखते हैं। श्वसन, श्वसन जो होती है, श्वसन की जो क्रिया है, एक ऑक्सीकारक क्रिया है, मतलब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का टूटना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन से रिलेटेड होगा, ऑक्सीजन के अणुओं का टूटना कहलाता है ऑक्सीडेशन, ओके। तो रेस्पिरेशन या श्वसन की जो प्रोसेस है, ये एक प्रकार की ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऑक्सीकारक क्रिया है, जिसमें जटिल भोज्य पदार्थों को सरल रासायनिक पदार्थों में तोड़ा जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, ओके। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई सिंपल सी भाषा में कि श्वसन या रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को का लाइसिस किया जाता है, उसे तोड़ा जाता है और सिंपल केमिकल सब्सटेंस को बनाया जाता है या निर्मित किया जाता है, ठीक है, ये कहलाती है श्वसन की प्रोसेस। और इसके फलस्वरूप क्या होता है? जब कार्बनिक पदार्थ टूट रहा है तो एनर्जी भी रिलीज होगी, क्योंकि आप अभी हम सुनते हैं कि हम खाना खाएंगे तो हमको एनर्जी मिलेगी, खाने से तो एनर्जी मिलती है, लेकिन खाने में क्या खाते हैं? कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, फैट्स, ये सब ले रहे हैं, तभी हमको एनर्जी मिल रही है। तो यही सारे जो पदार्थों का कॉम्बिनेशन है, आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, ये सारे मिलकर ही तो जटिल कार्बनिक पदार्थ बना रहे हैं ना, सॉरी मिनरल्स उसमें अलग आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन वगैरह जो, यही आपके कार्बनिक पदार्थ, ओके। तो इसमें बात हो रही है कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है या एनर्जी रिलीज हो रही है, और इसी को, और यही एनर्जी ATP के रूप में स्टोर होकर रहती है। इस प्रोसेस को कहा जाता है श्वसन की क्रिया या रेस्पिरेशन प्रोसेस, ओके, समझ में आया? ओके, अब हम जैसे कि हम बोल रहे थे ब्रीथिंग प्रोसेस मतलब CO2 को रिलीज करना और ऑक्सीजन को लेना, ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन श्वसन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन का ही, सॉरी ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन होता है। अब कैसे, मैं आपको बता रही हूँ, देखिए श्वसन की जो क्रिया होती है, ठीक है, श्वसन की जो क्रिया होती है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में होती है, मतलब रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है। अब जरूरी नहीं कि ऑक्सीजन हो तभी, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें बिना ऑक्सीजन के भी श्वसन है। अब अगर हम अपनी बात कर रहे हैं ह्यूमन से, हम है ना, हम क्या कर रहे हैं श्वसन की क्रिया करें तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस उनके लिए जरूरी नहीं होती है कि ऑक्सीजन हो तभी वो श्वसन की क्रिया करेंगे। तो श्वसन की जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में कंप्लीट होती है, ओके। अब हम देखते हैं श्वसन की क्रिया के प्रकार। श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, या रेस्पिरेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट इसमें आता है, फर्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, या इसको कहा जाता है ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन, ओके। देन सेकेंड है
एनारोबिक, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके मींस एनॉक्सी। ठीक है, तो श्वसन की जो प्रोसेस होती है या रेस्पिरेशन होता है वो दो प्रकार का होता है, टू टाइप्स का होता है, एरोबिक और एनारोबिक। ओके, अब देखिए मैंने अभी भी बताया था कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों में हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं एरोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है या ऑक्सीजन जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। और देखिए पहले मैंने बताया था कि जटिल भोज्य पदार्थों को तोड़ा जाता है, मतलब अगर कोई कॉम्प्लेक्स है, जैसे हम बात करें कोई बहुत बड़ा पदार्थ है हमारे सामने, उसको हम तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में तो हमारे लिए आसान होगा उसको जानना। ठीक है, तो उसी तरीके से हम जो अब जटिल भोज्य पदार्थ क्या है, वही जो हम खा रहे खाना कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो अंदर गया है उसको हम तोड़ते हैं ना, चबा चबाते से डाइजेशन देंगे, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम देंगे उसमें देखेंगे कार्बो जो मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट टूटता है, उसका लाइसेंस प्रोटीन टूटता है, फैट टूटती है फैटी एसिड में, प्रोटीन एमिनो एसिड में, सेम ऐसे। तो ऑक्सीडेशन जो होता है इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, मतलब वायु की उपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थों को तोड़ा जाता है और सरल पदार्थों में को में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। क्या बनता है यहाँ पर याद रखना, ऑक्सीडेशन में बनता है एक तो CO2 गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन मतलब H2 बनेगा और ATP के रूप में एनर्जी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहां पर बता दूं इसका कैसे होता है। मैं बोल रही हूं जटिल भोज्य पदार्थ मतलब कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो C6H12O6 ये है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला है। अब मैं बोल रही हूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब इसमें क्या जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी 6O2। ठीक है, इसको फिर से लिख दूं 6O2। ओके, अब ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है जटिल पदार्थ है, पूरा कार्बोहाइड्रेट, अब हम इसको तोड़ेंगे क्योंकि इसमें ऑक्सीजन में तो यही हो रहा है, यही टूट रहा है तब तो एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो जब ये टूटता है तो ये टूटता है आपका, इसमें CO2 के अणु बनेंगे, मतलब 6CO2 प्लस आपका 12H2O, 6H2O। ठीक है, प्लस यहाँ पे जो निकल जाएगी आपकी ATP के रूप में 30 ATP या 686 हम किलो कैलोरी एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है, 686 किलो कैलोरी ऊर्जा ATP के रूप में अणु निकलेंगे या 686। ठीक है, यहाँ पर कहीं कहीं आपको 686 की जगह 673 किलो कैलोरी भी दिया हुआ है कहीं किसी बुक में, तो वो इतना मैंने लगता 686 किलो कैलोरी ऊर्जा रिलीज होती है। ओके, तो ये किसका फॉर्मूला, ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ये जो इक्वेशन है, रिएक्शन जो है आपका, ये रिएक्शन किसकी है, ये है एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब अब देखिए सीधा समझ में आ रहा है, जटिल भोज्य पदार्थ को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ा गया है, जिसके फलस्वरूप ATP के रूप में एनर्जी रिलीज हुई, ये किलो कैलोरी में बात करें तो ये ऊर्जा मुक्त होती है। क्लियर, ये हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, मतलब अनऑक्सीडेशन। अनऑक्सीडेशन क्या होता है, देखिए अनऑक्सीडेशन जो है ये ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। ठीक है, मतलब श्वसन की ऐसी क्रिया जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है उसे कहा जाता है अनऑक्सीडेशन। और इसमें क्या होता है, अब इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, जिसके फलस्वरूप अब यहाँ पर क्या बना था, CO2 गैस और वाटर, पानी के मॉलिक्यूल और CO2 के मॉलिक्यूल बने थे, यहाँ क्या बनता है, यहाँ बनता है आपका वाटर पानी और उसके साथ बनता है एथिल एल्कोहल C2H5OH। ओके, तो यहाँ पर यही हो जाएगा सेम, इसका अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो C6H12O6 मतलब कार्बोहाइड्रेट, अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो है नहीं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटेगी C6H12O6 हो गया, अभी टूट जाएगा तो बना लेगा C2H5OH मतलब एथिल एल्कोहल और पानी, और यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो 2 ATP के रूप में स्टोर होती है, 2 ATP एनर्जी रिलीज होती है। और अगर हम इसके मॉलिक्यूल की बात करें किलो जूल में तो 21 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, सॉरी जूल की हरी थी, किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ओके, तो ये समझ में आया आपको एरोबिक रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेशन में क्या होता है,
जटिल भोज्य पदार्थों को मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में, और क्या बनता है CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर मतलब जल के अणु बनते हैं। 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है और 86 किलो कैलोरी के रूप में, ठीक है। और यहाँ पर अनऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, 2 एटीपी एनर्जी रिलीज होती है या 21 किलो कैलोरी, ओके। अब देखिए ये तो हो गया एरोबिक, किसमें होता है जितने भी बहुकोशिकीय जीव है, मल्टी सेलर यूकेरियोटिक जितने भी उन सब में होता है, एनिमल्स की बात करें उनमें होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें अनऑक्सीडेशन, तो ये जो आपने सुने होंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं जैसे ईस्ट बैक्टीरिया वगैरह जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनमें होता है अनऑक्सीडेशन में, इनमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। आपने फर्मेंटेशन की प्रोसेस सुनी होगी, किण्वन की क्रिया से जो बियर वाइन वगैरह जो बनता है ना सुगर केन या ग्रेप्स से जो बनाते हैं, तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही क्रिया करवाई जाती है फर्मेंटेशन की प्रोसेस, और ये अनऑक्सीडेशन जो होता है इसमें, ठीक है, ये सारे प्रोकैरियोट्स में होता है, ओके। तो ये समझ में आया आपको। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से है। ये श्वसन था आपका, कि श्वसन की परिभाषा बताई मैंने आपको, डेफिनेशन क्या होता है श्वसन, उसके बाद बताया कितने प्रकार का होता है। अब हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स या ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, देखिए श्वसन अंग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन या श्वसन अंग। हम ह्यूमन की बात करें, हम सब ह्यूमन्स में आते हैं, हम तो अपने लंग्स के थ्रू करते हैं रेस्पिरेशन, आपने सुना लंग्स मतलब फेफड़े, हम फेफड़े के माध्यम से करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी तो जीव है, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स है जिनमें फेफड़े नहीं होते, तो फेफड़े नहीं होंगे तो किससे करेंगे श्वसन, सोचने वाली बात है। तो रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे इसमें 5 प्रकार के आते हैं मेनली। पहला तो आ गया लंग्स, ये हम सब करते हैं लंग्स से मतलब फेफड़े, लंग्स फेफड़े, ओके, यहां मैं लिख दूं इसको फेफड़े। फेफड़े के बाद फिर आता है गिल्स, गिल्स गलफड़े, आपने सुना होगा ना मछलियां जो पानी में होती है, मछलियां किससे करती है श्वसन, मछलियां जिनमें कि अब उनमें तो फेफड़े होते हैं तो गलफड़े से करती है, ठीक है। लंग्स गलफड़े, स्किन त्वचा, स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है त्वचा, ठीक है। उसके बाद आता है स्किन के बाद बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी क्या होती है, बक्कल कैविटी मुख गुहा, मुख गुहा, ओके, हो गया आपका लंग्स गिल्स स्किन बक्कल कैविटी। और इसके बाद फिर आपका आता है ये, ठीक है, ये मेन जो ऑर्गन्स है ये लंग्स गिल्स स्किन बक्कल कैविटी, ये आपकी है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है। इन ऑर्गन्स के थ्रू रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। अब अगर बात करें लंग्स की, तो हम जितने भी ह्यूमन्स हैं मैमल्स जितने भी, सब हम लंग्स के द्वारा करते हैं, फेफड़ों के द्वारा हम श्वसन करते हैं, फेफड़ों के द्वारा होता है हमें, तो ये हो गए फेफड़े। गिल्स पानी वाले जीव या जो मछलियां वगैरह है वो गिल्स के माध्यम से करती है। कुछ एनेलिडस अंग अगर आपको जानते हो, एनेलिडस अंग मतलब जो आते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन अगर हम देखें, तो एक फाइलम है एनेलिडा, जिसमें छोड़िए आप एनेलिडा में उसमें आपको पता है केचुआ आता है, केचुआ सभी देखा है, केचुआ को तो जानते हो क्या, तो केचुआ क्या करता है स्किन से रेस्पिरेशन करता है। इसके बाद आता है बक्कल कैविटी मतलब मुंह से, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो बक्कल कैविटी से मुख से रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ओके। इसके बाद फिर आते हैं, ये तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए। अगर हम हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन में अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम देखें, इसमें सबसे मेन होता है हमारे लंग्स फेफड़े। मैं आपको जनरली बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो हमारे अगर हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है पूरा का पूरा जो श्वसन तंत्र है, उसके ऑर्गन्स की अगर हम बात करें, ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें अलग अलग है। सबसे पहला आता है आपका नॉस्ट्रियल, नॉस्ट्रियल, नॉस्ट्रियल मतलब नासिका क्षेत्र, ठीक है। सेकेंड नसल कैविटी या नॉस्ट्रियल कैविटी, जो भी आप उसको बोल लो, नॉस्ट्रियल कैविटी मतलब नासिका गुहा। थर्ड आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स ये इसको कहते हैं ग्रसनी, ओके। फोर्थ है लैरिंग्स, इसको कहते हैं कंठ,
ठीक है। फिर है आपका फिफ्थ लैरिंग्स के बाद आता है ट्रेकिया, ट्रेकिया मतलब श्वास नली, विंड पाइप जो होती है ना हमारी, श्वास नली। सिक्स्थ आता है आपका ब्रोंकी मतलब श्वसनी, फिर ब्रोंकियोल्स मतलब श्वसनिका, और फिर आता है आपका नेक्स्ट एल्वियोली, एल्वियोली और सबसे लास्ट आपका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है लंग्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको ये पूरे लिखकर बताया है यहाँ पर जो बोर्ड पर है, ये नोस्ट्रियल, नोस्ट्रियल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोली और लंग्स, ये पूरा जब ये सारे ऑर्गन मिलते हैं तब बनते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र। आपने श्वसन तंत्र सुना होगा, अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊं, बट यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ रही है। ठीक है, तो डायग्राम वैसे आप समझ सकते हो ये नामों से भी। ओके, नोस्ट्रियल क्या होता है नोस्ट्रियल, ओके, तो ये सारे ऑर्गन्स से और यही सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र। अब तंत्र की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं जब पूरे बॉडी ऑर्गन्स मिलेंगे तभी तो कोई सिस्टम बनेगा, बिना अंगों के तो सिस्टम नहीं बनता। अगर हम भी किसी सिस्टम को बनाए तो जब हम बहुत सारे अलग अलग उसमें पार्ट मेंबर्स आएंगे या कोई पार्ट्स, हम कुछ भी अगर किसी की बात करें, जब बहुत सारे लोगों से मिलकर ही कोई सिस्टम बनता है, तो ये जो सारे अंग है ये हमारे रेस्पिरेटरी मतलब जो हम श्वसन क्रिया करते हैं ना, जो बोल रहे थे अभी कि सांस का लेना और छोड़ना, तो श्वास लेना और छोड़ना जो ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है वो इन अंगों के माध्यम से कंप्लीट होती है। ठीक है, अब मैं हम देखते हैं कैसे, देखिए मैं इसको हटा दूं थोड़ा, देखिए सबसे पहले मैं जो नॉस्ट्रियल की बात कर रही थी तो इस तरीके से अगर हम देखिए ये हमारे लंग्स होते हैं। ठीक है, मैं बस आपको समझाने के लिए डायग्राम रफली बना रही हूं, मतलब अगर कुछ हो। तो आप सबको पता है हमारे दो लंग्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया लंग्स सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नॉस्ट्रियल से। नॉस्ट्रियल क्या होता है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये नासिका छिद्र, इसको हिंदी में कहा जाता है नासिका छिद्र, ये दो छिद्र होते हैं, आपको पता है हमारे यहाँ पर होती है नासिका बुआ, नासिका छिद्र। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, जो एयर है मतलब ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है, जो भी एटमोस्फेरिक जो एयर है वही उसी में ऑक्सीजन मिली होती है, हमारे एटमोस्फेयर में तो बहुत सारे वो है गैसेस का मिश्रण है। ओके, तो क्या होता है, सबसे पहले ऑक्सीजन अंदर एंटर करती है नॉस्ट्रियल के थ्रू, नासिका छिद्र के द्वारा। ओके, अब जो नासिका छिद्र होता है ये नॉस्ट्रियल होता है, यहाँ पर दो छिद्र होते हैं, आपको पता है वहां पर एक कुछ रोम होते हैं, रोम है ना, तो उसमें एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको कहा जाता है म्यूकस मेम्ब्रेन, ये यहाँ पे लिख दो, ये म्यूकस मेम्ब्रेन। ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इसका काम होता है जो एटमोस्फेयर में वातावरण में जो हवा है वायु है, बहुत सारे धूल के कण होते हैं उसमें, हार्ड होती है, हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है अगर अंदर गई बॉडी में, तो क्योंकि वो उसमें सब उसका मिश्रण है धूल के कण और पता नहीं कितना बहुत सारी चीजों से पॉल्यूशन हो रहा है, सब कुछ होता है। ओके, तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन जो नॉस्ट्रियल में होती है उसका काम होता है जो एयर अंदर जा रही है उसको सॉफ्ट करना, नम बनाना और थोड़ा हल्का गर्म करना और धूल के कणों को हटाना है ना, मतलब उसको सॉफ्ट करना, नम बनाना और जितने भी धूल के कण है उन धूल के कणों को अलग करना, ये काम कौन करता है, नॉस्ट्रियल में प्रेजेंट म्यूकस मेम्ब्रेन। ओके, ठीक है, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा ऑर्गन नॉस्ट्रियल, फिर अब एयर यहां से चली गई, यहां से एयर जब गई तो ये अंदर गई, यहां पर आती है कि नसल कैविटी या नॉस्ट्रियल कैविटी, नसल कैविटी, नॉस्ट्रियल कैविटी, इसको नसल पैसेज भी कह सकते हैं, इसका मतलब है नासिका गुहा, एक गुहा होती है, कैविटी होती है, उस कैविटी में जैसे ही अंदर एयर गई
अब यहाँ से नॉस्ट्रियल में म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन से कहाँ गई फिर नॉस्ट्रियल कैविटी या नासिका गुहा में, यहाँ तक आई एयर, ठीक है, जो एयर है वो यहाँ तक आई, एयर मतलब ओ टू ऑक्सीजन, ठीक है। फिर उसके बाद जाती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स मतलब ग्रसनी, ये यहाँ पर होता है फेरिंग्स, ठीक है, ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स में एयर गई, अब मैं यहाँ पर उसका थोड़ा वो हो रहा है मैं वहां लिख नहीं सकती, ठीक है, फेरिंग्स यहाँ तक आई फेरिंग्स तक। उसके बाद फेरिंग्स जो होता है इसका काम क्या होता है, फेरिंग्स जो है वो नॉस्ट्रियल कैविटी और लैरिंग्स मतलब फेरिंग्स के जस्ट बाद यहाँ पर होता है लैरिंग्स कंठ, ठीक है, लैरिंग्स इसको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो अब एयर कहाँ गई, सबसे पहले नॉस्ट्रियल, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा धूल के कणों को अलग किया गया, फिर कहाँ गई है आपका नॉस्ट्रियल कैविटी में गई, एयर को नॉन सॉफ्ट बनाया गया, ठीक है। उसके बाद फिर ग्रसनी में गई, ग्रसनी के बाद फिर एयर आ गई यहाँ, ये हमारा बता दू आपको, ये यहाँ आई एयर, ठीक है, ये क्या है हमारा कंठ, इसको कंठ कहा जाता है, कंठ या लैरिंग्स, देखिए कंठ या लैरिंग्स जो होता है इसी को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वॉइस बॉक्स, स्वर यंत्र या कंठ, ठीक है, अलग अलग नाम क्यों कहते हैं वॉइस बॉक्स, क्योंकि यहाँ से वॉइस का प्रोडक्शन होता है, जो भी हम बोलेंगे ना कि इसका गला बहुत अच्छा है, गला, गला मतलब कंठ, वहीं से आवाज निकलती है, इसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है, ठीक है। फिर एयर कहां तक आ गई आपके कंठ तक, यहां आई ये यहां तक, ये कंठ यहां तक एयर आई O2, ठीक है। अब ये जो है ये पूरा श्वसन मार्ग है, मतलब किस मार्ग से किस पाथ से एयर को अंदर जाना है, ठीक है, यहां तक आई। अब यहां पर ये यहां से स्टार्ट हो जाते हैं आपके ट्रेकिया, ट्रेकिया मतलब श्वास नली, वेन पाइप, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको ये पोर्शन, ये श्वास नली, अच्छा यहाँ पर एक एपिग्लॉटिस भी होता है लैरिंग्स के पास जो खाने मतलब, अच्छा मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर आप जब खाना खाते हो तो आप ऐसा होता है कि कभी कि हम खाना भी खा ले और खाना खाते समय बात तो कर लेते सांस लेते, लेकिन जब पानी पीते हो कहते हैं कि पानी पीते समय बात नहीं करना चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि पानी अगर कभी आप बोलते हैं नाक में पानी चला गया, अगर पानी नाक में चला जाता है उसका रिफ्लेक्स एक्शन होता है, पानी बाहर आ जाना, आप खांसी आ जाना, ठसका लग जाना, जो भी हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में, क्योंकि क्या होता है जो लैरिंग्स होता है यहाँ पर एक कपाट या वॉल्व होता है, ठीक है, ये वॉल्व क्या करता है, जो हमारी एलिमेंट्री केनाल मतलब आहार नाल जो होती है ना जिसके थ्रू खाना अंदर हमारे डाइजेस्टिव पार्ट में जाता है, आग में या स्टमक में जाता है, उस एलिमेंट्री केनाल को और ये जो ट्रेकिया है श्वास नली इन दोनों को अलग करता है, ठीक है। कहाँ होता है वो कपाट, लैरिंग्स पर, जैसे ही हम कुछ खाते हैं या निगलते हैं तो कपाट से बंद हो जाता है, जिससे खाना कहाँ जाता है, सीधे हमारे डाइजेस्टिव पार्ट में। और एयर की अगर हम बात करते हैं तो एयर नाक के थ्रू कहाँ जाती है, सीधे हमारे ट्रेकिया के थ्रू लंग्स में, उधर तो नहीं जाती स्टमक में, क्योंकि जो ये होते हैं यहाँ भी ये जो कपाट होता है वॉल्व होता है इसका नाम है एपिग्लॉटिस, ठीक है, एपिग्लॉटिस। जो एपिग्लॉटिस होते हैं ये केवल अपने में से एयर को ही पास करते हैं, एयर को ही जाने देते, मतलब हवा को ही जाने देंगे, मतलब ऑक्सीजन को, और जहां इसमें थोड़ा भी अगर पानी या कुछ ऐसा पदार्थ गया या मोटा या ऐसा हार्ड पदार्थ गया तो तुरंत क्या होता है आपको, मतलब ठसका लग जाना, नाक से पानी बाहर आ जाना, मतलब ये इसी की वजह से होता है एपिग्लॉटिस, क्योंकि ये खाने को अंदर नहीं जाने देता और ना ही पानी को जाने, केवल एयर ही इसमें से पास होती है, ओके, तो ये एलिमेंट्री केनाल को अलग करता है, ओके। फिर अभी आता है नेक्स्ट हमारा ट्रेकिया, ये इसको कहा जाता है श्वास नली, ट्रेकिया ये है, ये जो पोर्शन है ना ये श्वास नली, एक नली है, एक ट्यूब है जिसके माध्यम से एयर अंदर जाती है, यहां से आई एयर, ठीक है। अब क्या होता है ये जो ट्रेकिया होते हैं, श्वास नली होती है, आगे चलकर ये जो दिख रहा है ना विंड पाइप, ये आगे चलकर जैसे ही फेफड़ों में खुलते हैं, ये हमारे फेफड़े में, फिर से आपको बता दूं कैसे खुलते हैं, ये आई, ये क्या है आपकी ट्रेकिया, ये इधर खुले, ये हमारे हो गए लंग्स, ये फेफड़े, ठीक है, ठीक है, एयर आई। अब ये ट्रेकिया जब यहां इसमें खुलते हैं तो कहलाते हैं ब्रोंकी, ये जो मैंने लिखा है ना ब्रोंकी मतलब श्वसनी, ये ब्रोंकी में कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरीके से, ये अलग अलग ऐसे अपनी ब्रांचेस बनाते हैं इस तरीके ब्रोंकी, ठीक है। और यही ब्रोंकी जब आगे और डिवाइड होती है इस तरीके से आए ये, फिर आगे और अपने ब्रांचेस बना लेंगे, शाखाएं बना लेते इस तरीके से, तो ये कहलाते हैं, ये जो है ये कहलाएंगे आपके ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल, और ये क्या कहलाएगी, ये जो ये है ये शाखा ये कहलाती है ब्रोंकी, और इससे जो निकल रही है ये कहलाएंगे ब्रोंकी, ठीक है। और फिर ये और फिर डिवाइड हो जाते हैं, ये ब्रोंकी जो है
ब्रोंकी से ब्रोंकियोल्स बनाए, ब्रोंकियोल्स फिर आगे और फर्दर डिवाइड होते हैं, इस तरीके से संरचना बना लेते हैं, इस तरीके से ये गोल गोल इन पर कुछ पाए जाते हैं, इस तरीके की संरचना देखा होगा आपने फेफड़े में, ऐसे सब बिखरा रहता है इस तरीके का, ये होते हैं ना इस टाइप का होता है फेफड़े में, तो यही होते हैं आपके ब्रोंकी और ब्रोंकियोल्स। तो ये इस तरीके की जो गोल दिख रहा है ना आपको, एक कण नुमा जो संरचना में बना रही है, एक कण ये क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा पूरा जो कपड़ा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना उसका सबसे मेन पार्ट यही है एल्वियोली, इसको कहा जाता है एल्वियोली या ये जो मैंने लिखा है कोष्ठिका पोस्ट, हिंदी में इसको कहते हैं कोष्ठिका पोस्ट या एल्वियोली। ये एल्वियोली क्या है, क्यों कहते हैं इसको सबसे मेन, देखिए मैंने बताया एयर कहाँ से आ रही है, सबसे पहले नॉस्ट्रियल में आई मतलब नासिका छिद्र में, म्यूकस मेम्ब्रेन है रूल के कणों को अलग किया, फिर कहाँ गई नॉस्ट्रियल कैविटी में मतलब नासिका गुहा में, नासिका गुहा में, नासिका गुहा में उसको क्या किया सॉफ्ट बनाया गया, नम बनाया गया, और कहाँ गई फिर एयर फैरिंग्स में, फैरिंग्स के बाद कहाँ आई लैरिंग्स में, यहाँ पर एपिग्लॉटिस है जो कि क्या करता है खाने को नहीं जाने देता है, केवल एयर को पास करता है, पानी को भी नहीं जाने देता। ओके फिर आती है कहाँ एयर ट्रेकिया में मतलब श्वास नली में, ये श्वास नली, अब यही जो श्वास नली या विंड पाइप होता है ये आगे चलकर ये दिख रहा है ना होता है, ट्रेकिया जो होते केवल दो होते इस तरीके के ये है ना, ये ऐसे ही होते हैं, बट जब ये आगे जाते हैं और जब फेफड़ों में खुलते हैं लंग्स में तो ये डिवाइड हो जाते हैं, दिख रही है ना आपको, ये यहाँ पे गया यहाँ पे डिवाइड हो गया, ये इसने इधर अलग ब्रांच बना ली, फिर इसकी दूसरी ब्रांच बन गई, फिर ये यहाँ पे इसकी ये यूनिट बन गई कण, ठीक है, तो यही है आपके ट्रेकी, ये ट्रेकिया का ही भाग है ना, पहले ट्रेकिया, ट्रेकिया जब अंदर खुले तो बनाए ब्रोंकी मतलब श्वसनी, श्वसनी जब आगे और ब्रांच में डिवाइड हुई तो क्या कहलाया उसको श्वसनिका, या क्या श्वसनिका को क्या कहा ब्रोंकियोल, अब यही ब्रोंकियोल फिर और डिवाइड होकर इस तरीके की संरचना बना लेते, ये कहलाती है एल्वियोली, और ये जो एल्वियोली है यही पर गैसेस एक्सचेंज होती है, जो हम CO2 को छोड़ रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं और ऑक्सीजन को अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो वो यहीं पर होता है पूरा का पूरा। अब ये देखा आपने यहाँ से कैसे आई है कि पूरी की पूरी एयर आ गई अंदर और कहाँ चली गई ये फेफड़ों में, अब यहाँ तक आई, अब यहाँ पर जो है कैसे होता है गैसों का आदान प्रदान मैं आपको बताऊं, अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम आपने पढ़ा हो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि रक्त का परिसंचरण कैसे होता है हमारी बॉडी, तो मैं ज्यादा मतलब टाइम नहीं लूंगी इसमें, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। आपने सुना होगा कि CO2 युक्त जो ब्लड होता है या डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है रक्त होता है वो अशुद्ध होता है इम्प्योर होता है, और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन घुली होती है जो ऑक्सीजनेटेड होता है वो कैसा होता है प्योर ब्लड होता है ना, तो इम्प्योर ब्लड के साथ आती है CO2 जो आती है यहाँ पे ये ब्लड के साथ आती है इम्प्योर ब्लड के साथ, ठीक है, और ऑक्सीजन जो होती है वो आती है कहाँ से आई ऑक्सीजन हमारे हम जो श्वास ले रहे हैं ना हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं उससे ऑक्सीजन यहाँ आई या भी ये ट्रेकिया ब्रोंकी ब्रोंकियोल के थ्रू यहाँ तक आ गई, ठीक है, अब CO2 आई ब्लड के माध्यम और लंग्स जो होते हैं फेफड़े पूरे फेफड़े में ब्लड भरा रहता है, ब्लड तो इसमें होगा, फिर अब यहाँ से जैसे ही इम्प्योर ब्लड आया CO2 को अलग कर दिया जाता है, CO2 अलग हो गया और जो एयर आई थी मतलब ऑक्सीजन जो आई है वो ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है पता है आपको सबको, तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन से क्रिया करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है मतलब प्योर ब्लड बनाता है, और फिर उसी हीमोग्लोबिन में घुलकर ये ऑक्सीजन हमारे पूरी बॉडी में जाती है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है, और CO2 यहाँ से जो ब्लड से अलग हुई है जो पूरी बॉडी से जो ब्लड आया है इम्प्योर ब्लड उससे CO2 अलग हो गई, अब CO2 यहाँ से वापस जिस मार्ग से या जिस रास्ते से ऑक्सीजन आई है उसी रास्ते से CO2 बाहर हो जाती है, CO2 को बाहर रिलीज कर दिया गया और ऑक्सीजन को अंदर ब्लड में घोल कर पूरी बॉडी में पहुंचा दिया गया, अब यही प्रोसेस चल रही है तो ये होता है गैसेस का एक्सचेंज होना, ठीक है, ये है आपका रेस्पिरेशन, समझ में आया। अब सबसे मेन इसमें बस एक बच गया है जो आपको बता दूं, जो आपका ऑर्गन है लंग्स फेफड़े की, फेफड़े होते क्या है, अभी हमने इतना सारा सब कुछ जो देखा कि ये होता है वो होता है ये जो मैं आपको बता रही थी ये सब हो कहां रहा है, गैसेस एक्सचेंज हो रही है, CO2 आ रही है, और अभी मैंने कहा रेस्पिरेशन में भी होता है पृथ्वी मतलब CO2 को बाहर करना और ऑक्सीजन को अंदर एंटर करना बॉडी में, तो ऑक्सीजन आई और कहाँ जाती है यहाँ पे आती है लंग्स में फेफड़े में और ब्लड में घुल जाती है हीमोग्लोबिन के साथ घुलकर ऑक्सीहीमोग्लोबिन बना के फिर उसके थ्रू ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में जाती है और CO2 पूरी बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड के थ्रू कलेक्ट होता है वो आती है और CO2 इसको बाहर कर देगा। ओके अब लंग्स में फेफड़ों की बात करूं तो फेफड़े जो होते हैं सबको पता है एक जोड़ी होते हैं मतलब दो होते हैं ये फेफड़े हमारे जो है ना ये फेफड़े एक जोड़ी होते हैं मतलब दो होते हैं, इसमें जो
फेफड़े होते हैं इसके बाहर की ओर, ये इस तरीके की एक मेम्ब्रेन या एक झिल्ली पाई जाती है ये फेफड़ों पे, जिसको कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन या प्यूरल मेम्ब्रेन। ओके, मतलब आपका फुफ्फुस झिल्ली, हाँ हिंदी में इसको कहते हैं फेफड़ों को फुफ्फुस, फुफ्फुस झिल्ली। ओके, इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, एक पदार्थ होता है जिसको कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड, एक तरल पदार्थ होता है फेफड़े की झिल्ली के अंदर, जो एक तरल पदार्थ भरा रहता है वो कहलाता है प्लूरल फ्लूइड। और इस प्लूरल फ्लूइड का काम होता है जितने भी हमारे दूसरे ऑर्गन्स है, अब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स तो बहुत सारे, फेफड़े अकेले नहीं है, यहाँ पे हार्ट भी होता है, सबको किडनी जितनी भी है, किडनी तो सारी खनिज होती है, यहाँ पे डायाफ्राम होता है आपका, ये थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। जो फेफड़े होते हैं हमारी थोरेसिक कैविटी मतलब वक्ष गुहा के अंदर स्थित होते हैं, एक जोड़ी होते हैं मतलब दो होते हैं, इसकी बाहरी झिल्ली को कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन, मतलब बाहर एक जो झिल्ली होती है उसको कहा जाता है प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन में एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसको कहा जाता है प्लूरल फ्लूइड, ठीक है, या फुफ्फुस द्रव, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो फुफ्फुस द्रव या प्लूरल फ्लूइड होता है दूसरे ऑर्गन से या अंगों से लंग्स के घर्षण को बचाता है, ताकि ये दूसरे अंगों से घर्षण ना कर सके, टकराए में। ओके, अब जो अगर हम फेफड़े की बात कर रहे हैं तो दो होते हैं, इसमें जो दाया फेफड़ा होता है वो बाय फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है, दाया फेफड़ा बाय फेफड़े से थोड़ा सा बड़ा होता है। अगर इसका हम वेट देखें तो जो दाया फेफड़ा होता है इसका वेट होता है 625 ग्राम 625 ग्राम, और जो बाया फेफड़ा होता है इसका वेट होता है 576 ग्राम मतलब 576 ग्राम। ओके, तो ये था आपका फेफड़े, और इनमें पूरा रक्त भरा रहता है, ब्लड भरा रहता है, शंकु के आकार के होते हैं, और मेन जो होता है इसमें एल्वियोली होती है जहां पर पूरी गैसेस एक्सचेंज होती है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना भूल गई वो ये है कि जो एल्वियोली है इसको रेस्पिरेटरी सिस्टम की यूनिट कहा जाता है। जैसे हमने देखा था सेल की, सेल हमारी बॉडी की यूनिट है, हर चीज की कोई ना कोई तंत्रिका तंत्र की अगर हम बात करें तो उसकी यूनिट हमारी न्यूरॉन है। सेम वैसे ही जो पूरा का पूरा जो ये इतना सब कुछ मैंने अभी ऑर्गन्स बताए थे पूरा का पूरा, इन सब की यूनिट क्या है, इकाई एल्वियोली, क्योंकि सब कुछ कहाँ हो रहा है, सब कुछ कहाँ हो रहा है, एल्वियोली में, ठीक है। ये एल्वियोली या कोष्ठिका कोष्ठ, हिंदी में इसको कहा जाता है कोष्ठिका कोष्ठ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि पूरे के पूरे मतलब श्वसन तंत्र की इकाई क्या है, श्वसन तंत्र की इकाई या यूनिट जो है वो एल्वियोली या कोष्ठिका कोष्ठ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जितनी भी जो भी अब श्वसन में क्या है, मेन क्या है आपका CO2 O2 का एक्सचेंज होना, तो यहीं पर हो रहा है लंग्स में हो रहा है, तो यहीं पर इस एल्वियोली में ही CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, इसको कहते हैं श्वसन तंत्र की इकाई। तो ये हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो था मैंने आपको बताया, और अगर आपको शायद समझ में आया, हाँ एक चीज यहाँ पर डायाफ्राम, ये जो फेफड़े होते हैं ना इन पर नीचे की ओर डायाफ्राम होता है, पेशी मतलब जो मसल्स होती है ना, तो मसल्स या पेशियों की बनी हुई एक संरचना होती है जिसको कहा जाता है डायाफ्राम, और यही जो डायाफ्राम होते हैं इनकी जो मसल्स में संकुचन और शिथिलन होता है तब क्या होता है श्वसन की क्रिया होती है, मतलब इनमें एक दाब लगता है, आपने सुना होगा रेस्पिरेटरी प्रेशर श्वसन दाब, तो जो श्वसन दर या श्वसन दाब जो होता है वो इन्हीं की वजह से लगता है, इन्हीं की वजह से श्वसन की क्रिया होती है जिसे कहा जाता है डायाफ्राम। और यहाँ पर होती है सभी को पता होगा रिब्स पसलिया, ये इस तरीके से फेफड़ों के ऊपर पसलिया पाई जाती है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा श्वसन तंत्र यहाँ पर कंप्लीट होता है जो मैंने आपको बताया। ये आप इसमें ये चीजें याद रखना कि जो फेफड़े होते हैं उसमें दाया और बाया दो होते हैं, दाया थोड़ा बड़ा होता है, इसका साइज या इसका सॉरी वेट होता है 625 ग्राम, और बाया का होता है 625 ग्राम, और लेफ्ट वाले का होता है 576 ग्राम, ठीक है। तो अगर आपको ये अच्छा लगा वीडियो, समझ में आया, तो आप हमारे कालका ये जो हमारा यूट्यूब पर चैनल है उस पर सब्सक्राइब करिए, और इससे भी बेटर बेहतर से बेहतर वीडियो लेक्चर्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपको और भी बेहतर वीडियोस मिलते रहेंगे। और अगर व्हाट्सएप पर आपको ऑडियो लेक्चर चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है 7247401301, इस पर हमें मैसेज करिए। ओके।